हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज हम इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी आपको क्लास 10 के कौन कौन से इम्पोर्टेंट मैप प्रिपेयर करने हैं आपके एग्जाम के लिए। तो इसमें मैंने हिस्ट्री के एज वेल एज आपके ज्योग्राफी के भी सारे मैप चैप्टर वाइज बिल्कुल रख दी है, और प्लस मैंने उसके स्टेट्स भी मेंशन कर दिए हैं कि कहाँ पे ये जो टॉपिक्स हैं आपके जो मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको किस किस स्टेट में लोकेट करने हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो आपको मैप मिलेगा पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया ही मिलेगा आपके हिस्ट्री के लिए भी और आपके ज्योग्राफी के लिए भी। तो देखिए, जो हिस्ट्री का आपके 4 चैप्टर्स है जो सिलेबस में देखे हैं जो आपको कम्प्लीट करने हैं, बट मैप जो है वो सिर्फ आपका एक चैप्टर से ही आएगा, वो है आपका चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। तो यहाँ से आपका जो मैप वर्क आएगा वो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि यहीं से क्योंकि हिस्ट्री का अलग से मैप आता है और ज्योग्राफी का अलग पोर्शन से मैप आता है। तो अगर आप ये सब टॉपिक्स कवर कर लोगे तो आपको बहुत इजी रहेगा कि जो भी मार्क्स होंगे वो आप इजिली स्कोर कर सकेंगे। तो देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, अगर मैं कंपेयर करूं लास्ट ईयर के कंपेरिजन, तो हाँ बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं आप सीबीएसई ने काफी तरह डिडक्ट कर दिए हैं वो सारे टॉपिक्स को, और आपके लिए अब कम है। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन अगर आप बुक में पढ़ोगे तो आपको टोटल 4 मिलेंगे। इससे पहले भी मैप में हमेशा 4 पूछे जाते थे 4 में से, बट इस बार कम कर दिया गया है। वो इस बार लाहौर का सेशन नहीं पूछा जाता है, इस बार इसे पूछा जाएगा आपसे कलकत्ता सेशन जो हुआ था September 1920, और ये आपको लोकेट करना है वेस्ट बंगाल में। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है या तो आपको वो लोकेट करके दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कौन सा सेशन था यहाँ पे, कौन सा कांग्रेस सेशन हुआ था, या तो आपको ये लिख दिया जाएगा और आपको बस स्टेट लोकेट करना होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं मैथ के। तो कलकत्ता September 1920 में ये सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये वेस्ट बंगाल में आपको लोकेट करना है। सेकेंड है नागपुर December 1920, तो 1 मार्क क्वेश्चन भी कभी कभी आते हैं यहाँ से, तो इसलिए आपको ईयर भी थोड़ा सा लर्न करना है कि 1920 दिसंबर में कौन सा सेशन हुआ था और कहाँ हुआ था। तो वो हुआ था नागपुर में, और नागपुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, वो महाराष्ट्र स्टेट में आपको लोकेट करना होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है मद्रास, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था वो हुआ था 1927 में, और ये आपको लोकेट करना है तमिलनाडु। देखिए, आज मद्रास को हम चेन्नई नाम से बोलते हैं, और मगर जब भी हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में इसका जो प्रीवियस और फॉर्मर नेम होता है उसी नाम से आप इसको लोकेट करिएगा। अगर मद्रास पूछा है तो आप मद्रास ही लोकेट करिएगा, आप चेन्नई मत लिखिएगा, ठीक है। ज्योग्राफी में हाँ हम जो भी वर्ड चेंज होते हैं, प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, उसको एकदम अप टू डेट रखते हैं, बट हिस्ट्री में आपका मद्रास है तो आप मद्रास ही लोकेट करोगे, वो है आपका तमिलनाडु में। उसके बाद देखिए, आपका जो नेक्स्ट आपको टॉपिक प्रिपेयर करना है इसी हिस्ट्री चैप्टर 3 के नेशनलिज्म इन इंडिया से, वो है इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट क्योंकि चैप्टर पूरा नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड ही है, तो यहाँ पे जो भी सत्याग्रह हुए गांधी जी के मेन मेन, वो सारे टॉपिक्स, वो सारी प्लेसेस आपको रिमेम्बर रखनी है, आपको याद रखनी है। तो इसके ही अकॉर्डिंग सबसे जो पहला सत्याग्रह हुआ था वो आपको याद रखना है, वो है चंपारण, और ये कहाँ पे है, ये बिहार में है, ठीक है। आपको दोनों चीजें याद रखनी है जब भी आपका, क्योंकि करेक्ट वे जो होता है मैप फिलिंग का वो यही होता है कि आप प्लेस भी और साथ में स्टेट भी मेंशन करेगा। ये मैं जब आपका बाद में जब रिविजन कराऊंगी मैप के, तो मैं उसमें आपको बिल्कुल बताऊंगी किस तरह से आपको ये शो करने हैं, लोकेट करने हैं। तो चंपारण, और ये आपका बिहार स्टेट में है, और यहाँ पे क्या हुआ था, किस वजह से फेमस हो, किस वजह से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, तो ये आता है मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, ठीक है। यहाँ पे इंडिगो जो एक ब्लू डाई होता है वो, उससे रिलेटेड प्लांटर्स की क्या प्रॉब्लम थी, किस तरह से उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया और किस तरह से गांधी जी ने उनको सपोर्ट किया, और ये फर्स्ट सत्याग्रह भी रहा जो जो स्टार्ट हुआ था चंपारण बिहार में, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये टॉपिक प्रिपेयर करना है। उसके बाद देखिए, सेकंड भी आपका सत्याग्रह से रिलेटेड है गांधी जी से, ये है खेड़ा, ठीक है। ये प्लेस काफी पूछी जाती है, खेड़ा, खेड़ा भी आपका गुजरात, खेड़ा जो आपको याद रखना है वो है गुजरात में, और यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे किसान सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। इसके बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद भी गुजरात में है, और इसमें यहाँ पे क्या क्या हुआ था, तो यहाँ पे जो सत्याग्रह था वो रिलेटेड था कॉटन मिल वर्कर्स, ठीक है। कॉटन मिल वर्कर्स की किस तरह से कंडीशन थी, क्या उनकी डिमांड थी, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे सत्याग्रह हुआ था, जिसको हम कहते हैं कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह, जो हुआ था अहमदाबाद गुजरात में। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट टॉपिक प्रिपेयर करना है वो है अमृतसर, और अमृतसर कहाँ पे, पंजाब, ठीक है। मैं आपको प्लेस के साथ स्टेट भी बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको स्टेट से नहीं पता होगा तो आप कहाँ लोकेट करोगे, ठीक है। अमृतसर पंजाब, तो यहाँ पे किस वजह से आपको ये बुक में क्या कंटेंट यहाँ पे दिया है जिसके वजह से आपको याद रखना है, और इस वजह से मैप का क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे हुआ था जलियांवाला बाग इंसिडेंट, ठीक है। तो ये आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद आपका देखिए चोरी चोरा, जो कि एक जगह है यूपी में नियर गोरखपुर, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये क्या, और यहाँ पे हुआ था कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, क्या वजह रही जिसकी वजह से वो मूवमेंट उन्होंने बंद कर दिया था, ठीक है। तो वो टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद देखिए डांडी प्लेस है, वो है गुजरात में, एक कोस्टल टाउन है, एक कोस्टल विलेज समझ लिए, और वहां पे क्या हुआ था, वहां पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है।
स्टार्ट हुआ था, और इवन वहां पे ये जो सॉल्ट मार्च से भी इसको जाना जाता है स्टेडियम, और पूछा जाता है वो प्लेस जहाँ पे गांधी जी ने कॉल ऑफ किया स्टेडियम मूवमेंट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कई नामों से आते हैं, तो आपको वो डांडी याद रखना है, कोस्टल विलेज है, जो आपको कहाँ लोकेट करना है, गुजरात में, ठीक है, कोस्टल लाइन में। इसके बाद देखिए ये हिस्ट्री का जो पूरा दो टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने थे, एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस आपको प्रिपेयर करने थे, और साथ में इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट जो मैंने यहाँ पे मेंशन करें, और इस यही जो सीबीएसई ने मेंशन करें वही मैंने आपको बताया, इसके अलावा और कुछ अलग से नहीं पूछा जाएगा आपके, इन्हीं में से कोई भी दो तीन क्वेश्चन जो भी वो पूछेंगे वो यहाँ से पूछ लेंगे। तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप इन सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, तो आपकी हिस्ट्री का एटलीस्ट जो मैथ वर्क है वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इसके बाद चलिए मैं आपको अब ज्योग्राफी का आपका पोर्शन दिखाती हूँ। ज्योग्राफी में जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सब में मैथ वर्क है, और सबका मैथ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो कुछ चैप्टर्स हैं, जस्ट सेकेंड, जो क्लास टेन, ये इवन जो आपका कुछ चैप्टर्स हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में वहां से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपके पीटीज में, पीरियोडिक टेस्ट में, एग्जाम में वो आपसे पूछ सकते हैं, टीचर्स आपको वो चैप्टर्स पढ़ा सकते भी हैं, ऑप्शनल है, और वो आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। बट मैथ वर्क की बात करूं तो यहाँ एक चैप्टर ऐसा है जहां से आपका मैथ क्वेश्चन आएगा, जैसे चैप्टर थर्ड आपका वाटर रिसोर्सेज है, तो यहाँ पे आपका वहां बोर्ड में तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मैथ से रिलेटेड आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर वन, जो कि है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो चैप्टर वन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में सिर्फ आपको आइडेंटिफिकेशन ओनली करना है, और इसमें मेजर सोयल टाइप, ठीक है, इस चैप्टर से जो मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो टॉपिक है मेजर सोयल टाइप्स। तो जो भी इंपॉर्टेंट सोयल टाइप्स है वो मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं। फर्स्ट है आपका एलुवियल सोइल्स, ठीक है, सेकंड है ब्लैक सोइल्स, थर्ड है रेड एंड येलो सोइल्स, फोर्थ है लेटराइट सोइल्स, और फिफ्थ है आपका एरिड सोइल, जिसको हम ड्राई सोइल भी बोलते हैं, साथ में हम इसको सैंडी सोइल भी बोलते हैं। इसके बाद आपका लास्ट है फॉरेस्ट और माउंटेनियस सोइल, ठीक है, दोनों एक ही टाइप है बस नाम अलग है, इसको हम फॉरेस्ट भी बोलते हैं और माउंटेनियस सोइल भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें अगर मेन आपसे पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा इस मैप में कि एलुवियल सोइल्स के दो या तीन स्टेट बताइए कहाँ पे ये पाई जाती है, ब्लैक सोइल्स कहाँ पाई जाती है, रेड एंड येलो सोइल्स कहाँ पाई जाती है ना इंडिया में, तो आपको वो स्टेट मेंशन करने होंगे। तो एलुवियल सोइल आपका पंजाब और यूपी में काफी पाई जाती है, और भी स्टेट्स हैं जो मैं आपको फ्लो चार्ट में भी प्रोवाइड किए हैं, साथ में जब मैंने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया वहां पे मैंने आपको ये सारे स्टेट्स बताए थे, तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज वो वीडियोस भी देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए ब्लैक सोइल जो है गुजरात एंड मध्य प्रदेश में है पाई जाती है, और इसको रेगर सोइल भी बोलते हैं, इसको कॉटन सोइल भी बोलते हैं। इसके बाद रेड एंड येलो सोइल वो झारखंड एंड छत्तीसगढ़, तो मैं आपको स्टेट्स मेंशन कर रही हूं ताकि आपको प्रिपेयर करने बहुत इजी रहे, आप एग्जाम से पहले अगर एज अ रिविजन भी इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको तुरंत पता याद हो जाए कि हाँ ये स्टेट्स हैं, और आपको बस याद हो जाएगा और आप कर लेंगे। लेटराइट सोइल्स आपका ओडिशा एंड तमिलनाडु में, एल्ड सोइल्स और ड्राई और सैंडी सोइल्स आपकी राजस्थान एंड गुजरात में पाई जाती है कुछ एरियाज में, फॉरेस्ट और माउंटेन सोइल्स आपकी उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। इसके बाद चैप्टर थर्ड से तो वाटर रिसोर्सेज चैप्टर जो हमने इंक्लूड नहीं किया है, ये ऑप्शनल है, टीचर्स चाहे तो पढ़ा सकते हैं और पीरियोडिक्स में दे सकते हैं रिलेटेड कोर्सेज। बट मैप वर्क की अगर मैं बात करूँ तो हाँ मैप वर्क ऑफकोर्स बोर्ड में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसमें आपके मेनली डैम्स हैं, ठीक है, मल्टीपर्पज जो डैम्स होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक सलाल डैम है, ठीक है, जो आप किस स्टेट में लोकेट करोगे, आप करोगे जम्मू एंड कश्मीर में। इसके बाद भाखड़ा नंगल वो आप हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब के बॉर्डर एरिया में आप कर सकते हो लोकेट। फिर टेहरी डैम है जो उत्तराखंड में है, राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, ये सरदार सरोवर डैम गुजरात में है, हीराकुंड डैम ओडिशा में है, ठीक है, उड़ीसा नहीं, इसको उड़ीसा प्रनाउंस करते हैं। और इसके बाद देखिए नागार्जुन सागर वो है आपका आंध्र प्रदेश में, उसके साथ ही तुंगभद्र जो डैम है वो भी आपका आंध्र प्रदेश में। तो इस तरह से जो डैम से रिलेटेड आपके मैप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो एक की उम्मीद करिए, एक शायद आपसे पूछ लिया जाए, बस इसी में से पूछा जाएगा, तो आप इन सबको प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि आपका चैप्टर फोर, और ये है एग्रीकल्चर, ठीक है। यहाँ से मैप वर्क आपका आएगा और कौन से इंपॉर्टेंट आएगा, ठीक है, यहाँ भी आपसे स्टेट ज्यादातर पूछे जाएंगे, जैसे मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड वीट, ठीक है, राइस और वीट के कौन से मेजर एरियाज जहाँ पे प्रोडक्शन होती है। फिर आपसे पूछ सकते हैं लार्जेस्ट और मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ शुगर केन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन एंड जूट, ठीक है। तो इसमें से मैंने आपके पूरा का पूरा एक साथ लिख दिया है, मेजर एरियाज ऑफ राइस देखें आप तो आसाम है, केरला एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। मेजर एरियाज ऑफ वीट देखें तो यहाँ पे है पंजाब, हरियाणा एंड यूपी। मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ शुगर केन वो है यूपी, बिहार एंड महाराष्ट्र। इसके अलावा भी और भी काफी स्टेट्स हैं, बट मैंने मेनली आपके दो दो तीन तीन स्टेट्स ही यहाँ पे रखे हैं, और अगर क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स को लगता है मुश्किल होता है, तो सिर्फ आप दो या तीन कर लीजिए जो मेनली कॉमन है सबने, वही आप प्रिपेयर करिए। मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ अगर स्टेट्स ऑफ शुगर केन देखे तो वो है आपका यूपी, बिहार एंड महाराष्ट्र। मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ टी जो चाय उगाते हैं, जो स्टेट्स में जहाँ ज्यादा चाय
क्वांटिटी में उगती है वो है असम, तमिलनाडु एंड केरला। इसके बाद कॉफी देखें तो वो है कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। और मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ रबर देखें तो यहाँ पे अंडमान निकोबार, मैंने थोड़ा सा इसको लिया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्पेशली रबर ही यहाँ पे ग्रो होती है, तो अंडमान निकोबार, मेघालय भी थोड़ा सा अलग हो गया यहाँ पे, मेघालय एंड केरला, तो ये कॉमन है आपका केरला। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट है मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ कॉटन, तो इसमें महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश बहुत ही कॉमन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ जूट, ठीक है, यहाँ से भी वन मार्क क्वेश्चन काफी बन जाता है और ये काफी बार पूछा भी गया है कॉटन, जूट का और टी, कॉफी, ये काफी कॉमन जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका बिहार है, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, तो ये आप स्टेट लोकेट कर सकते हो क्योंकि ये बहुत फेमस है जूट, अगर मैं देखूँ तो यहीं पे ज्यादा फेमस है ये बिहार, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल में। इसके बाद क्योंकि जो फर्स्ट फैक्ट्री भी स्टार्ट हुई थी जूट की वो भी वेस्ट बंगाल में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, यहाँ भी आपका पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया ही आपको मिलेगा लोकेट करने के लिए, उसमें काफी सारे आपके आयरन और माइंस, कोल माइंस, ये सब आपको लोकेट करने को पूछी जाएंगी। तो आपके आयरन और माइंस में आपसे मयूर भंज पूछा जाएगा, दुर्ग, बेलाडीला, बेलारी और कुदेरमुख, तो इसके साथ ही मैंने स्टेट भी लिख दिया, जैसे मयूर भंज आपका उड़ीसा में पाया जाता है, दुर्ग छत्तीसगढ़ में, बेलाडीला भी छत्तीसगढ़ में, बेलारी आपका आंध्र प्रदेश में और कुदेरमुख आपका कर्नाटका में। इसका कोल माइंस जो है वो आपसे ये मेन मेन पूछी जाएंगी, जो है रानीगंज वो वेस्ट बंगाल में है, बोकारो झारखंड में, तलचर लोकेटेड है उड़ीसा में और नेवेली लोकेटेड है तमिलनाडु में। तो इसी की तरह आपको प्लेस और साथ में जब भी मैप में पूछा जाता है तो आपको नेवेली लिखने भी है उस प्लेस को वहां पे तमिलनाडु में, और साथ में आपको तमिलनाडु स्टेट भी एरो करके मेंशन करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है ऑयल फील्ड, और इसमें आपके कौन कौन से मेन ऑयल फील्ड है फॉर पेट्रोलियम और फॉर नेचुरल गैसेस, तो आपका है फर्स्ट ऑफ ऑल डिगबोई, क्योंकि ये इतना फेमस है, वन मार्क क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे पुराना इंडिया का ऑयल फील्ड कौन सा है, तो आंसर होता है डिगबोई, ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत याद रखने की जरूरत है। और आप देखेंगे जो भी मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, तो बस कुछ ही एरियाज में ऑयल फील्ड पाए जाते हैं, एक है आसाम और फिर अरेबियन सी नियर महाराष्ट्र और फिर आपका गुजरात, ठीक है, ये मेन सेंटेंस है। और इसको बहुत आसान भी है याद करना क्योंकि दो यहाँ आसाम से ले लीजिए, दो महाराष्ट्र के अरेबियन सी से ले लीजिए और दो आपके गुजरात से, तो इस तरह से इन्हीं में से आपसे एक पूछा जाएगा। तो डिगबोई आसाम, नहरकटिया ये भी आसाम में है प्लेस, बैसीन जो है ऑयल फील्ड ये भी आपको कहाँ लोकेट करनी है, एक्चुअली में ये आपको लोकेट करनी है अरेबियन सी में, ठीक है, तो इन अरेबियन सी आपको अरेबियन सी जो महाराष्ट्र के जब नियर आप देखोगे महाराष्ट्र के नियर जो अरेबियन सी का जो एरिया है वहां पे आप लोकेट करोगे बैसीन, ठीक है। इसके बाद मुंबई हाई भी अरेबियन सी में ही है, नियर महाराष्ट्र, एकदम फ्रंट ऑफ महाराष्ट्र में, और इसको भी आप कहाँ लोकेट करोगे, आप बैसीन जहां लोकेट करोगे उसके नीचे, जस्ट उसके नीचे आपको मुंबई हाई लोकेट करना है। तो ये पूरे के पूरे मैप में चैप्टर वाइज बिल्कुल आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको ये करने, तो मैं एक इसके अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगी आपके एग्जाम टाइम से पहले थोड़ा रिविजन पर्पज के लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कलोल जो कि गुजरात में है, और अंकलेश्वर वो भी गुजरात में, तो ये आपके इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड है। इसके बाद देखिए इसी चैप्टर से पावर प्लांट्स पूछे जाते हैं, ठीक है, पावर प्लांट्स आपके दो तरह के मेनली जो दिए गए हैं चैप्टर में, वो है थर्मल पावर प्लांट्स और एक है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। इससे पहले बहुत ज्यादा बच्चों को प्रिपेयर करने पड़ते थे, आप भी देखेंगे आपको 3-4-5 आपको प्रिपेयर करने टॉपिक्स, बट उससे पहले क्या था 7-8-10 भी बुक में होते थे तो वो साइज करने मैप को प्रिपेयर करने पड़ते, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी बच्चों को। बट आप देखिए आपका कोर्स बहुत कम है, मैप से रिलेटेड विषय आपको ज्यादा लग रहा हो बट थोड़ा सा कम है, अगर मैं कंपेरिजन करूँ लास्ट ईयर से, तो यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे सिर्फ थ्री है जो मेन आपको प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट है आपका नामरूप, ठीक है, ये है असम, सिंगरौली ये है मध्य प्रदेश में आपका, और थर्ड है आपका रामागुंडम जो कि है तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में। तो इससे पहले हम आंध्र प्रदेश में इसको लोकेट करते थे बट जब से तेलंगाना न्यू स्टेट बन गया तो वहां पे हम इसको अब इसकी एक्चुअल लोकेशन वहां पे है। इसके बाद देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपका फर्स्ट है नरूरा जो कि यूपी में है, काकरापारा गुजरात में, तारापुर आपका महाराष्ट्र में, और कल्पक्कम तमिलनाडु, तो कल्पक्कम बहुत फेमस है, तारापुर भी बहुत फेमस, जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट भी काफी कम कर दिए गए हैं, पहले बहुत ज्यादा थे कंपेरिजन। इसके बाद चैप्टर 6 आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, इसमें आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील प्लांट, ये सब टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में आपका फर्स्ट ऑफ ऑल मुंबई बहुत फेमस है, और यहाँ ये कहाँ पे महाराष्ट्र, आई थिंक बहुत सबको पता है, बहुत कॉमन है। इसके बाद आप देखिए इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है, कानपुर यूपी में है, कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में आपको लोकेट करना है, सूरत आएगा तो आपको गुजरात में लोकेट करना है, तो इस तरह से कॉटन टेक्सटाइल हमने कंप्लीट किया। सेकेंड आप देखिए आयरन स्टील प्लांट्स है जो कि आपके कुछ मेन हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं, और इसमें भी कुछ कम किए गए हैं बट बहुत कम किए गए, एक या दो कम किए गए, अदरवाइज पूरे के पूरे ही हैं, ठीक है। तो दुर्गावती जो वेस्ट बंगाल में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, विजयनगर कर्नाटका, बोकारो झारखंड में है,
और जमशेदपुर इन झारखंड, ठीक है, ये आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद जो सैलम, ठीक है, सैलम भी जो है वो आपका तमिलनाडु में। तो जब ये मैं आपको प्रिपेयर करूंगी तो मैं बिल्कुल ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी कि कैसे आपको लर्न करना है और बहुत ही अच्छे से आपका ये प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि ट्रिक्स के साथ बहुत इजी होता है किस तरह से आपको समझना है। और आपने एक बार वो ट्रिक समझ ली तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से कर लोगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क है, तो ये कहाँ कहाँ पे है, आपके नोएडा जो है वो यूपी में, पुणे महाराष्ट्र में, गांधीनगर गुजरात में, और मुंबई आपका जिसे हमने पहले डिस्कस करा है महाराष्ट्र में, तो बहुत कॉमन है। और मेनली आप देखें तो कैपिटल्स ही हैदराबाद, तेलंगाना, ठीक है, आप लोकेट करोगे बेंगलुरु आपका कर्नाटका में, चेन्नई तमिलनाडु में, और तिरुवनंतपुरम आप केरला में। तो ये आपके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क है जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका लास्ट चैप्टर है वो है चैप्टर 7 लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। यहाँ से आपका जो मैप वर्क आएगा वो भी आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया ही आएगा, और यहाँ से आपके मेजर सी पोर्ट्स पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है, फिर आपके जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, और इसमें हम ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो उससे से रिलेटेड जो आपका मैप वर्क है वो है मेजर सी पोर्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट है आपका कांडा, ठीक है, इसको आजकल पंडित दीनदयाल उपाध्याय सी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, नाम चेंज कर दिया जाता है, बट बुक में अगर पूछा जाएगा तो आपसे कांडला ही पूछा जाएगा, क्योंकि काफी लेटेस्ट एडिशन बुक नहीं आती है, तो सारी जो पुरानी पुरानी बुक्स ही होती है तो उसमें कॉन्टेंट चेंज नहीं किया जाता, अपडेट नहीं किया जाता है, तो इस वजह से बहुत सारे बच्चों के पास लेटेस्ट एडिशन बुक्स होती भी नहीं है, तो उनको नॉलेज नहीं होती है, तो इस वजह से अगर क्वेश्चन जाएगा तो वो कांडला से पूछा जाएगा। तो एक कांडला जो है आपका वन मार्क क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे पहला जो सीपोर्ट इंडिया में बना था वो कांडला सीपोर्ट है, और ये आपको गुजरात में लोकेट करना होगा अगर आएगा। फिर इसके बाद देखिए मुंबई जो है वो महाराष्ट्र में, मामागांव आपका गोवा में है, न्यू मैंगलोर कर्नाटका में, कोची जो है वो आपका केरला में है, टूटीकोरिन सीपोर्ट आपका तमिलनाडु में है, चेन्नई जो सीपोर्ट है वो आपका तमिलनाडु में आप लोकेट करोगे, फिर विशाखापट्टनम बहुत फेमस है और ये लैंड लॉक्ड सीपोर्ट है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आंध्र प्रदेश में है, और पारादीप आपका उड़ीसा में। तो ये सारे सी पोर्ट्स जो आपको प्रिपेयर करना है, देखिए देखने में बहुत ज्यादा लग रहा है, बट जब मैं आपको ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपको मैं सिखाऊंगी, प्रैक्टिस करवाऊंगी, तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा और आपको बहुत जल्दी लर्न भी हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका हल्दिया वेस्ट बंगाल में, ये आपका सीपोर्ट है। इसके बाद देखिए स्टार्ट होता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो इस चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंस है टॉपिक्स में से एक है, तो ये है राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर एयरपोर्ट की बात करें इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपसे पूछ जाएंगे, कुछ ही है इंडिया में, तो ये इसलिए आपसे लर्न हो जाएंगे, आपको एक दो तो वैसे ही लर्न होंगे। तो राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका अमृतसर में है ये, और ये अमृतसर कहाँ पड़ता है, ये पंजाब में आता है। इसके बाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको दिल्ली में लोकेट करना है, फिर आपका है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये मुंबई में है और इसको हम बॉलीवुड के नाम से भी जानते हैं मुंबई को, तो ये महाराष्ट्र में है। इसके बाद देखिए मीनम बक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका चेन्नई में है, ठीक है। देखिए मैंने जैसे आपको बताया था ज्योग्राफी में हम चेन्नई वर्ड यूज करते हैं, हिस्ट्री में इसका वर्ड जो पुराना मद्रास है वही होता है, तो चेन्नई, और ये आप कहाँ लोकेट करोगे, तमिलनाडु में। इसके बाद देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो आपको कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेट करना है, और इसके बाद आपका लास्ट है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद तेलंगाना में आपको उसको लोकेट करना है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा जो मैप वर्क आपका क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप वर्क है हिस्ट्री एज वेल एज दी ज्योग्राफी वो हमने पूरा कंप्लीट किया। साथ में मैंने आपको जो भी टॉपिक्स हैं जो भी प्लेसेस हैं उसके साथ स्टेट भी मेंशन करें तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपको आपके एग्जाम्स में, और एज अ रिविजन भी आप इसको यूज कर सकते हैं, आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरी वन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।